मैंने अपना कैपकट का डेस्कटॉप वर्जन पे, तो आप चाहो तो VN या कैपकट का मोबाइल वर्जन पे भी कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहले ये वाला वीडियो मैंने, ये टेम्पलेट मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में बनाया, तो मैं आपको कैपकट में दिखा रहा हूँ एडिट करके। तो पहले मैंने इनपुट कर लिया, सब कुछ आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप या डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो मैंने पहले बैकग्राउंड वीडियो ले आया, उसके बाद देखो मैं यहाँ पे जो गणपति बाप्पा का जो आपने देखा स्टार्टिंग में ग्लिटर इफेक्ट के साथ, वो वाला वीडियो ले आया। और इसका ब्लेंडिंग मोड मुझे चेंज करना है। पहले मैं इससे ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लिया, देन मुझे यहाँ पे ब्लेंड मोड पे जाके इसको यहाँ पे स्क्रीन करना है, ठीक है। स्क्रीन मैंने कर लिया, आप देख सकते हो। और कुछ आप स्केल इंक्रीज भी कर सकते हो गणपति बाबा का, तो मैंने इंक्रीज कर लिया, थोड़ा जूम कर लिया टाइमलाइन को। तो आप कैपकट का मोबाइल पे भी कर सकते हो, मैं डेस्कटॉप में दिखा रहा हूँ मेरे सुविधा के लिए, ठीक है। और कुछ यहाँ से इसको ट्रिम कर दे रहा हूँ। देन मुझे फिर से वो ग्लिटर इफेक्ट लाना है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, ठीक है। तो ग्लिटर इफेक्ट का भी मुझे ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन सिलेक्ट करना है, और कुछ पार्ट मैंने ट्रिम कर लिया जहाँ तक मैं रखना चाहता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड पे जाके इसको स्क्रीन सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं एक PNG ला रहा हूँ, इसको भी मैं आपको दे दूँगा, इसको यहाँ तक मैं रख रहा हूँ, ठीक है। मतलब जहाँ तक ग्लिटर इफेक्ट आ रहा है उसके बाद से ये स्टार्ट होगा, जहाँ से मतलब अच्छा लगे, ठीक है। ग्लिटर इफेक्ट कहाँ तक ख़त्म हो जाए उसके बाद से ये वाला टेक्स्ट फेड होके आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, इसका ही डुप्लीकेट करूँगा। तो इसको पहले मैंने स्काई स्केल और पोजीशन से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, ऑल्ट प्रेस करके इसको मैंने डुप्लीकेट किया, और इस तरह से यहाँ पे सेट करके इसको रोटेट कर दिया 270 डिग्री, ठीक है। पहले वाला को 90 डिग्री रोटेट किया था, तो इसलिए इसको उल्टा करके 270 डिग्री रोटेट कर लिया। अभी इसके मिडिल पे मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट पे जाओ वहाँ पे, या लिख दो कुछ। मैं अपना मैं जो एडिट किया था एक डेमो शर्मा फैमिली सेलिब्रेटिंग ऐसा कुछ लिखा था। तो यहाँ पे जो फॉन्ट मैं यूज़ करूँगा ना गाइस, तो ये मैंने एक्चुअली जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में बनाया था, तो वो वाला फॉन्ट मैं आपको दे दूँगा। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल फॉन्ट ही यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ डेमो आपको दिखाने के लिए, कैपकट का जो नॉर्मल फॉन्ट है, तो वही मैं रख रहा हूँ। तो यहाँ पे एडजस्ट करके मैंने सेट कर लिया, आप देख सकते हो। और इसका कलर मैं येलो ही रखूँगा, मतलब जो येलो कलर होता है डार्क येलो। और इसको भी मैं पहले सिलेक्ट करके कॉम्पाउंड क्लिक कर दिया, राइट क्लिक करके देखा आपने। और यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में फेड एनिमेशन फेड इन और एंडिंग में फेड आउट, ठीक है। मतलब दोनों क्लिप को मार्च कर लिया मैंने, ठीक है। और इसका ऑल्ट प्रेस करके इसका जो ऑडियो था वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे भी मैंने ला दिया, मतलब ये वाला डुप्लीकेट मैंने कर दिया, ठीक है। आप कंप्यूटर में जो देख रहे हो वो सेम टू सेम आप कैपकट का मोबाइल में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद मीडियाज पे मैं जाके मैं और टेक्स्ट नहीं आपको दिखाऊंगा, मैं मेन वाला जो ब्रश इफेक्ट में फ़ोटो रिवील हो रहा था वही मैं आपको दिखाऊंगा। तो ब्रश वाला वीडियो मैंने ले आया, उसके बाद मैं यहाँ तक कुछ पार्ट ट्रिम कर दिया जहाँ तक मुझे रखना है। देन मुझे इसके ऊपर मतलब इसके अंदर जो ग्रूम का फोटो होगा वो मुझे लाना है, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दिया, और ग्रूम का जो फोटो है उसको इसके नीचे एडजस्ट कर दिया। अभी मैं ब्रश इफेक्ट को सिलेक्ट करके इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई करूँगा ताकि ये वाला फ़ोटो इसके अंदर आ जाए, और इसके बाद फ़ोटो को जैसे स्ट्रेच करके स्केल बड़ा कर दूँगा। आप स्केल से भी कर सकते हो, मैं हाथ से कर लो, ठीक है। यहाँ से इसको जूम कर दो, और जहाँ तक एडजस्ट आपको ठीक लगे वहाँ तक एडजस्ट कर देना, मैं फेस इस रिवील करना चाहता हूँ सिर्फ। उसके बाद ये दोनों क्लिप को मार्च करके सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कंपाउंड क्लिप कर दो। उसके बाद आप इस दोनों को छोटा करके भी कर सकते हो, और नहीं तो पहले ही स्क्रीन कर दो ब्लेंडिंग मोड, ये आपका ब्लैक हट जाएगा। और इसके बाद छोटा करके यहाँ पर एडजस्ट कर, जितना आप रखना चाहते हो आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। देख लिया आपने कैसे ब्रश के अंदर फोटो को रिवील करना है। उसके बाद मैं ब्राइट का भी कर दे रहा हूँ, आप देख रहे हो, ठीक है। आप जिस फॉलो करते जाना ताकि आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कहीं कौन सा भी हो वो आपके लिए मायने नहीं रखेगा, सिर्फ आप फॉलो करते जाओ सब कुछ सीख जाओगे।
उसके बाद मैं ग्रूम ब्राइट का फोटो ले आया और जो ब्रश है उसको सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई कर दिया ब्लेंडिंग मोड। अभी ये इसके ऊपर चला गया लेकिन ये एडजस्ट करना है, फेस पूरे से नहीं आया है तो मैं ऐसे स्ट्रेच करके देखो फेस रिवील कर दिया, दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कंपाउंड कर दिया, मतलब एक क्लिप में आ गया। अब इसको छोटा करके मैं यहाँ पे एडजस्ट करके ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर दूंगा, ये ब्लैक हट जाएगा, देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये ब्लैक हट गया है। और इसको स्ट्रेच करके थोड़ा ये बड़ा छोटा आप अपने अंदर से कर सकते हो जितना आपको अच्छा लगे स्क्रीन पर, ठीक है। सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से या मेरे टेलीग्राम चैनल से। उसके बाद मैं एक यहाँ पे एक वो जो गेटिंग मैरिट का जो और पीएनजी लाऊंगा और ऑल्ट प्रेस करके मैं ग्लिटर इफेक्ट को पहले कॉपी किया और उसका ऑडियो को भी ऑल्ट प्रेस करके दूसरे जगह से कॉपी करके ले आया। आप चाहो तो अलग से भी ला सकते हो लेकिन मैंने कॉपी करके पेस्ट किया, ठीक है, ताकि लाना ना पड़े। और उसके बाद ये वाला पीएनजी मैंने डाउनलोड किया था, इसको भी यहाँ पे ले आया। जहाँ तक मैं ये रख रहा हूँ कि जहाँ तक ये ग्लिटर इफेक्ट ख़त्म होगा वहाँ से ये वाला रिवील होगा, ठीक है। आप देखते जाना कैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, डीटो आप ऐसे ही मोबाइल पे करते जाना तो फॉलो अलोंग करने भी आपके लिए सुविधा होगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपली गेटिंग मैरिड। वही सेम प्रॉब्लम, फॉन्ट मेरा ये कैपकट में एडजस्ट नहीं हो रहा है इसलिए मैं नॉर्मल फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। मैं वो वाला फॉन्ट आपको दे दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी मैं फॉन्ट ले रहा हूँ और इसका भी कलर मैं येलो ही रखूँगा, ये वाला गोल्डन येलो, ठीक है। आप गूगल पे सर्च कर लेना सॉलिड ऑरेंज आपको मिल जाएगा हेक्स को, और इसको भी राइट क्लिक करके कंपाउंड क्लिक कर दिया और फेड इन और स्टार्टिंग में और आउट में फेड आउट एनिमेशन अब एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी सेव द डेट के लिए मुझे पहले तो ग्लिटर इफेक्ट को कॉपी करूँगा, उसके बाद इसका ऑडियो को कॉपी करना है, राइट ऑल्ट प्रेस करके आपको होल्ड करके रख के यहाँ पे कॉपी करके ले जाना है, ऑल्ट होल्ड करके, ठीक है। उसके बाद मुझे ये सेव द डेट वाला पीएनजी लाना है, ठीक है। कुछ एडजस्ट करके छोटा ट्रिम कर देना जहाँ तक आप रखना चाहते हो, छोटा कर दो ट्रिम करके। देन एक ये वाला पीएनजी भी लाना है मुझे, नीचे मुझे डेट लिखना है इसलिए मैं यहाँ तक एडजस्ट करके इसको थोड़ा छोटा करके मैं यहाँ पे नीचे एडजस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप किसी भी डेट आप एडजस्ट लिख सकते हो यहाँ पे टाइप करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे गया, टेक्स्ट पे जाके डिफॉल्ट टेक्स्ट में जाके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो डेट है, मतलब कुछ एक डामी मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 25 जनवरी 2025 को ऐसे कुछ डेट लिख दिया और इसका भी कलर गोल्डन येलो कर दिया। और कुछ भी फॉन्ट मैं रख सकता हूँ रख लो, आप अपने हिसाब से फॉन्ट चूज़ कर लेना जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। और यहाँ पे भी राइट क्लिक करके कंपाउंड कर दिया, मतलब तीनों क्लिप को, और यहाँ पे फेड इन स्टार्टिंग में और एंडिंग में फेड आउट, ठीक है। जो तीनों पीएनजी लिया था उसको मैंने कंपाउंड कर दिया ताकि एक क्लिप में आ जाए, ठीक है। अभी आप देख सकते हो मेरा क्रिएट हो गया। अभी बैकग्राउंड म्यूज़िक लाना है, बैकग्राउंड म्यूज़िक को भी आपको मैं दे दूंगा। इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ जहाँ से ऑडियो स्टार्ट हो रहा है, बाकी मैं यहाँ से फेड इन कर दूंगा स्टार्टिंग वाला पोजीशन, मुझे ये वाला नहीं चाहिए तो इसलिए मैं इसको यहाँ से क्रॉप कर दिया। तो ये तक मैं एडजस्ट किया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मुझे ये कुछ यहाँ तक टाइम लाइन को लाना है फेड करने के लिए, तो यहाँ पर मैं ला के फेड इन का ऑप्शन है, आप यहाँ से फेड इन कर सकते हो, यहाँ तक फेड होगा उसके बाद अच्छा लगेगा ताकि स्मूथ प्लेबैक हो, ठीक है। हट से स्टार्ट ना हो, आपको पता ही है फेड इन फेड आउट क्या है। और एंडिंग में भी पहले स्प्लिट कर दिया और जो आउट में यहाँ पे टाइमलाइन को रख के जहाँ तक मुझे फेड आउट करना है, ये तो पता ही है एक नॉर्मल वीडियो एडिटर को जो फेड इन फेड आउट कैसे को करता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी मेरा कंप्लीट हो गया है, मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यही था कंप्लीट वीडियो एडिटिंग गाइस वेडिंग टेम्पलेट। ये अच्छा आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सबको शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद।